हेलो दोस्तों, नीतीश कुमार के सियासी दाव से एक बार फिर बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। बीजेपी नेता लगातार मीडिया में ये बयान दे रहे थे कि इंडिया गठबंधन से नीतीश कुमार नाराज है, क्योंकि इंडिया गठबंधन की तरफ से करीब एक दर्जन दलों ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिका खड़गे को पीएम पद की दावेदारी का समर्थन किया है और अब इसको लेकर नीतीश कुमार ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए बीजेपी की बोलती बंद कर दी है। पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती समारोह में आज नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत कही और कहा, अटल जी और हमारे बहुत अच्छे संबंध थे और अटल जी हमें बहुत मानते थे। हमको चीफ मिनिस्टर बनाने में उनका योगदान था, हम लोग का उनसे लगाव था। और आगे उन्होंने इंडिया गठबंधन की चोटी बैठक को लेकर कहा, हमारी पार्टी में सब कुछ एकजुट है, हम लोग सब मिलजुल कर काम कर रहे हैं और हम जरा भी नाराज नहीं है। और हमने कहा, जिनको भी बनाइए, सारी चीज सब कुछ समय पर होने वाला है, हमारी इच्छा नहीं थी, हमने तो मीटिंग में कह दिया है। इंडिया गठबंधन को लेकर नीतीश कुमार के इस बयान से एक बार फिर बीजेपी के मंसूबे पर पानी फिर गया है, क्योंकि बीजेपी नेता लगातार नीतीश कुमार के बीच अनबन को लेकर बयान दे रहे थे। दिल्ली में 19 दिसंबर को हुई इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक में सीएम ममता बनर्जी की तरफ से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिका खड़गे का नाम पीएम पद के लिए पेश किया गया था, जिसको लेकर बताया जा रहा था नीतीश इसको लेकर नाराज हैं, क्योंकि उनका नाम पीएम के तौर पर पेश नहीं किया गया था। और दोस्तों, खबरें यहां तक चल रही थी कि नीतीश कुमार मीडिया से ही बात किए बिना बैठक से नाराज होकर चले गए हैं और अब नीतीश कुमार ने इस खबर को पूरी तरह से खारिज कर दिया है, जिससे साफ है बीजेपी अपने प्लान में पूरी तरह से फेल हो चुकी है और बीजेपी की तरफ से लगातार इंडिया गठबंधन को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन नीतीश कुमार ने बता दिया है, वो इंडिया गठबंधन के साथ पूरी तरह से खड़ी हुई है।